फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस गिवन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का। ओके, इस ब्लॉक को स्ट्रिंग की हेल्प से दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये दूसरा ब्लॉक यहाँ पे 15 kg का, और ये तीसरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 5 kg का। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड करना है, और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे गिवन है 0.2। ठीक है, ओके, टेंशन मान लेता हूँ मैं, इसके अंदर टेंशन T1 है और इसके अंदर टेंशन T2 है, तो ये भी T2 होगा, ये T1 होगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या होगा, MG, सेम इसमें भी नीचे MG होगा। ओके, यहाँ पे देखो सब, ये फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स किस में ज़्यादा होगा, ये 15 kg की वजह से या 5 kg की वजह से, यानी 15 kg की वजह से फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये इस तरफ मूव करना करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेट फोर्स कंसिडर करता हूँ, क्या आता है, नेट फोर्स एम ए इज इक्वल 15 kg के लिए, एम ए इज इक्वल टू MG माइनस टी आएगा, T1। एम कितना है, 15, एक्सेलरेशन नहीं पता, और ये है 15 × 10 150, और T1 हमें नहीं पता, इक्वेशन ही आ जाएगी। सेकंड में 5 kg के लिए इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, टेंशन T2 माइनस MG, एम कितना है, 5 × A इज इक्वल टू T2 माइनस 5 × 10 50। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन में इसको लिख करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स MA इज इक्वल टू होगा T1, और फ्रिक्शन इस तरफ होगा क्योंकि इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, तो ये होगा T1 माइनस फ्रिक्शन माइनस T2, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, μ × N, N क्या है, MG, तो ये होगा मेरा M कितना है, 5 × A इज इक्वल टू T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन होगा μ N, फ्रिक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रिक्शन का μ N होगा अपना, म्यू अपना है 0.2, N होगा MG, ये है 10, तो अपना ये आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा 10, राइट, ओके, फ्रिक्शन 10 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये चलो इसको ऐसे ही रखने देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, फर्स्ट लिख देता हूँ, सेकंड और थर्ड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, क्या आता है, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करते हैं, तो क्या आता है, फर्स्ट को सेकंड को ऐड करें, तो ये 15A + 5 है, 20A इज इक्वल टू ये 150 - 50 कितना हो गया, 100, और ये आ रहा है T1 - T2, मैंने माइनस बाहर लेके लिखा है, तो T1 - T2 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे को इस इक्वेशन से T1 - T2 आ जाएगा, वो कितना आ रहा है, T1 - T2 आ रहा है मेरा 100 - 20A। ओके, यहाँ से T1 - T2 की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करो, तो क्या आता है, इक्वेशन 3 में T1 - T2 पुट करता हूँ, तो ये मेरा आता है 5A इज इक्वल टू 100 - 20A - 10। ओके, तो ये कितना आ रहा है, 20 को इधर ले लेता हूँ, तो 25A इज इक्वल टू 100 - 10 90। यहाँ से मेरा A आ जाएगा, A कितना आ रहा है, 90 बाई 5 से कट कर दो, 5 5 ज़ा, और ये 5 1 कितना आता है, 8 ज़ा, यानी 18/5 आया मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन 1 में मैं एक्सेलरेशन पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, 15 × 18/5 इज इक्वल टू 150 - T1, तो यहाँ से मैं T1 की वैल्यू आएगी 150 माइनस ये 5 3 ज़ा हो गया, और 18 × 3 कितना होता है, 54, ठीक है 54, तो यहाँ से अपना T1 आ जाएगा 96, फर्स्ट टेंशन क्या गया, 96 न्यूटन। अब सेकंड टेंशन के लिए आप यही एक्सेलरेशन वापस किस में पुट करो, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में मैं एक्सेलरेशन पुट करता हूँ, तो ये आता है 5 × 18/5 इज इक्वल टू T2 माइनस
सॉरी 50, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 5 से कट हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस 18, 50 प्लस 18 कितना हो रहा है 68 न्यूटन, यानी टेंशन वन होगा 96 न्यूटन और टेंशन सेकंड वाला होगा 68 न्यूटन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।